कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की जांच जारी है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये आतंकी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। जांच एजेंसियां हर एंगल से इस केस की इंक्वायरी कर रही हैं। कानपुर रेल हादसे में आतंकी साजिश होने की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान में बैठे मोस्ट वॉन्टेड आतंकी फरहतुल्ला गोरी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने भारत में ट्रेन और पेट्रोल पाइपलाइनों को निशाना बनाने के लिए निर्देशित किया। वीडियो में गोरी ने अपने स्लीपर सेल से रेलगाड़ियों को डीरेल करने को कहा। दूसरी तरफ एसआईटी की टीम ने इस केस में 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालने को लेकर आदेश दिए। 50 महिलाओं समेत करीब 200 लोगों से पूछताछ की गई। इसके साथ ही एसआईटी की 9 सदस्यीय टीम ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर, लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, गार्ड, 2 ट्रॉली मैन, 5 आरपीएफ जवान, 4 जीआरपी के जवानों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। साथ ही फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट का भी इंतजार है। अमित गंजू फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। अमित, और क्या क्या जानकारी इस खबर से जुड़ी मिल रही है, क्या क्या नए फैक्ट्स, नई बातें पता चल रही हैं? आपको बताना चाहूंगा, ये ट्रेन हादसा बहुत बड़ा हादसा था। हालांकि इसमें किसी की गनीमत रही कि किसी की मौत नहीं हुई, मगर इस घटना के बाद से जहां एक और एटीएस, जहां एक और आईबी, एसआईटी और एसटीएफ एक साथ तमाम एजेंसीज काम कर रही हैं। अगर एसआईटी की बात की जाए तो एसआईटी की 9 सदस्यीय टीम जिसमें प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर के साथ 3 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल कर रहे हैं। वहीं रेलवे भी अपनी जांच कर रही है, जहां एक और गाटर की बात आई कि 1998 के अंदर इस गाटर जिसको यूज किया गया तो वहां पहुंचा कैसे, 26 साल पुराना, जहां एक जांच का विषय। तो वहीं एसआईटी की टीम ने 130 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, 250 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, इसमें खानाबदोश लोग, बस्ती वाले, रेलवे ट्रैक के 7.5 किलोमीटर के रेडियस में रहने वालों से पूछताछ हुई। इसमें 50 महिलाएं और 200 से ज्यादा पुरुष मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिनके आई कार्ड्स को चेक किया गया, जिनके आधारों की फोटोकॉपी रखाई गई। इन सबके अलावा पायलट, को पायलट, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, गार्ड, 4 जीआरपी के जवान, 4 आरपीएफ के जवानों के अभी तक पूछताछ, इनके बयान लिए जा चुके हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि लंबी फेर सामने है क्योंकि हर एंगल पर जांच की जा रही है। उस ट्रैक, जिस ट्रैक पर ये लोहे का गाटर या पुरानी लोहे की पटरी रखी गई थी, आसपास 750 मीटर तक कोई आबादी नहीं है क्योंकि ठीक एक घंटा पहले वहां से एक ट्रेन गुजरी थी। यानी जो काम हुआ है वो लगभग 50 मिनट्स के आसपास का हुआ है। उस ट्रैक पर कोई कैमरा नहीं था, मगर दोनों तरफ जहां बस्ती है या आबादी है या इंडस्ट्रियल एरिया पंखी का एक प्रपड़ता है, उनके कैमरे भी खंगाले गए। पुलिस के अधिकारी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, अभी कोई चीज डिस्क्लोज नहीं की है क्योंकि इसे डिरेल करने की साजिश थी या षड्यंत्र था, इसका भी पर्दा नहीं उठ पाया। मगर ऐसे में एजेंसीज भी युद्ध स्तर पर जुटी। अगर हम बात करें एटीएस की, तो एटीएस की 10 सदस्यीय टीम ने कानपुर में जहां एक और 10 किलोमीटर के रेडियस तक पूरी छानबीन की, उनकी टीम के लोगों ने लोगों से पूछताछ की। अगर गोविंदपुरी से लेकर हम बात करें जूही नहरिया तक, और जूही नहरिया से लेकर भीमसेन और पामा तक लगातार टीम के सदस्य अभी भी जुटे जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और ऐसे में एसआईटी की टीम की जांच का दायरा भी बढ़ रहा है। अब जैसे जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा वास्तविकता थी क्या, मगर किसी भी पहलू, किसी की बंदूक को पुलिस छोड़ नहीं रही है। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी इस खबर पर। तो ये रेल हादसा कहीं आतंकी साजिश तो नहीं है, इसे लेकर भी अब जांच शुरू हो गई है। रायबरेली में देर रात से हो रही रुक रुक कर बारिश ने नगर पालिका की नाला सफाई अभियान की पोल खोल कर रख दी है। यहां पर 8 घंटे की बारिश में ही शहर के ज्यादातर इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। प्रगतिपुरम में इंदिरा नगर, खाली सहाट और बहराना जैसे इलाकों में भारी जलभराव हो गया है। दरअसल बरसात से पहले नालों की सफाई में बरती जाने वाली लापरवाही का नतीजा भारी जलभराव के तौर पर सामने आ रहा है। उधर भारी वर्षा के चलते स्कूलों की छुट्टी न होने से अभिभावक परेशान रहे कि बच्चों को लेकर कैसे जाएं, क्योंकि रास्तों पर जल जमाव है। आगरा में फैक्ट्री में लिफ्ट गिरने से 2 बाल मजदूरों की मौत हो गई। सामान ढोने वाली लिफ्ट की चेन टूटने की वजह से हादसा हुआ। घटना थाना खंदौली क्षेत्र के नंदलालपुर में मौजूद जय अंबे मसाला फैक्ट्री का है। घटना के बाद फैक्ट्री मालिक ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो फैक्ट्री मालिक ताला लगाकर फरार हो गया है।
और मसाला फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है। देर रात का यह मामला, लिफ्ट गिरने की वजह से हादसा हुआ है। दो बाल मजदूरों की मौत हो गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अमित कामिर कुरैशी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं आगरा से ज्यादा जानकारी के लिए। कामिर, क्या वजह बताई जा रही है, कैसे ये लिफ्ट खराब हुई, दो बाल मजदूरों की मौत भी हो गई, पुलिस ने क्या कोई एक्शन लिया है? बिल्कुल, देखिए लिफ्ट, ये माल ढोने वाली लिफ्ट थी और अचानक से इसकी चैन टूटी थी और तभी दो बाल मजदूर थे जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। हालांकि इस हादसे के बाद से जो फैक्ट्री मालिक है वो फरार हो गया। ये आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में जे अम्बे मसाला फैक्ट्री है, वहां पर यह हादसा हुआ। दोनों बाल श्रमिकों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर थाना पुलिस पहुंची, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची उससे पहले ही फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री में ताला लगाकर फरार हो गया। हालांकि मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बाल श्रमिकों के परिजन हैं, उन्होंने फैक्ट्री मालिक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि फैक्ट्री मालिक को पता था कि लिफ्ट की चैन खराब है, उसके बाद भी सही नहीं करवाई गई, यही वजह रही कि ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस अब पूरी जांच पड़ताल में जुटी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आज सीएम योगी का अलीगढ़ का दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खैर विधानसभा क्षेत्र में रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटेंगे, साथ ही 700 करोड़ से अधिक की 304 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गुरुकुल पब्लिक स्कूल में सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम योगी अलीगढ़ पहुंचेंगे। अनूप प्रधान के सांसद चुने जाने के बाद खैर विधानसभा सीट खाली हुई है। उपचुनाव से पहले सीएम का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सरकार सख्त हो गई है। यूपी सरकार ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। यूपी सरकार के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 2 से 8 लाख रुपए दिए जाने की पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है। साथ ही जो आपत्तिजनक पोस्ट होगी उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।